बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन। आज हम करेंगे उर्दू ग्रामर। गुज़िश्ता जितने भी हमारे लेक्चर्स गुजरे उनमें हमने लफ्ज़, इसम, इसमें मारफा, इसमें नकरा और इसमें नकरा की इकसाम तक पढ़ा था। आज हम करेंगे इसमें मारफा और उसकी इकसाम। इसमें मारफा क्या है? इसमें मारफा बेटा उस इसम को कहते हैं जो ख़ास हो, जो किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह को जाहिर करे वो क्या कहलाता है? हमारा इसमें मारफा। मिसाल के तौर पर इलामा इकबाल जैसे शायर मशरिक हैं हमारे, ये ख़ास हैं। कोहे हमालिया, कुरान मजीद, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे इसमें मारफा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? ख़ास। तो इसमें मारफा से मुराद वो इसम जो किसी ख़ास चीज़ या शख्स के लिए इस्तेमाल हो वो क्या कहलाएगा बच्चों? हमारा इसमें मारफा। आगे हम मज़ीद करेंगे इसमें मारफा की इकसाम। इसमें मारफा की कितनी इकसाम है वो हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले कौन सी आ जाएगी हमारी? इसमें अलम, इसमें इशारा, इसमें ज़मीर और उसके बाद क्या करेंगे हम? इसमें मौसूल। तो इसमें हम शुरू करते हैं इनकी जो इकसाम है उसके ऊपर वन बाय वन करके हम बहस करेंगे कि ये क्या। सबसे पहले क्या है बच्चों? हमारा इसमें अलम, वो इसमें मारफा है जो ख़ास नाम हो, जो ख़ास नाम हो, जैसे शायर मशरिक, गालिब, ये दोनों क्या हो गए? हमारे ख़ास नाम हैं। अब आगे से इसमें अलम की भी इकसाम है तो हम मज़ीद वो इकसाम करेंगे कि इसमें अलम के आगे मज़ीद कितनी इकसाम है। तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा? ख़ताब। ख़ताब और इसके साथ जो दूसरी इसकी किस्म है, ख़ताब और लकब, ये आप लोगों ने बच्चों बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करनी है कि ख़ताब क्या है और लकब क्या है। ख़ताब वो इसमें मारफा है जो हकूमत की तरफ से दिया जाए। ख़ताब क्या है हमारा? जो हकूमत की तरफ से दिया जाए, जैसे रुस्तम जमान, शायर मशरिक, ये सारे के सारे किसकी तरफ से हैं? हकूमत की तरफ से। अब लकब की तरफ आते हैं कि लकब क्या है। वो इसम है हमारा, वो इसमें मारफा है जो कौम की तरफ से दिया जाए। यानी कि इन दोनों में आपने फ़र्क कैसे करना है कि एक जो है हमारा हकूमत की तरफ से है, हकूमत की तरफ से क्या है हमारा? ख़ताब। और लकब क्या है? जो हमारा कौम की तरफ से दिया जाए, जैसे मिसाल के तौर पर कायदे आज़म, कायदे मिल्लत, ये सारे के सारे क्या हो गए? हमारे लकब। इसी तरह से एक और एग्जांपल, मूसा, कलीमुल्ला, ईसा, रूह अल्लाह, ये सारे के सारे क्या हो गए? हमारे लकब। उसके बाद तखल्लुस। अब तखल्लुस क्या है? वो मुख्तसर नाम है जो शायर अपने अशार में इस्तेमाल करते हैं, क्या कहलाएगा हमारा? तखल्लुस। मिसाल के तौर पर इब्राहिम ज़ोक, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब, ये क्या हो गए? हमारे तखल्लुस। उसके बाद कुनियत। कुनियत क्या होती है? किसी भी ताल्लुक़ को जाहिर करना। अब ये ताल्लुक़ किन के दरमियान आएगा? माँ बाप, बेटे, बेटी के दरमियान जो ताल्लुक आएगा वो क्या कहलाएगा हमारा? कुनियत। मिसाल के तौर पर इब्ने ख़ताब, कुनियत के साथ इब्ने ख़ताब, ख़ताब का बेटा। इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, तो ये क्या हो गई हमारी? कुनियत। उसके बाद बेटा इसकी जो आखिरी लास्ट है वो क्या है हमारा? उर्फ। अब ये उर्फ क्या है? उर्दू ग्रामर में उर्फ वो नाम है जो इंसानी खूबी
या किसी नुक्स की वजह से अगर पुकारा जाए या असल नाम को बिगाड़ दिया जाए, प्यार से बिगाड़ दिया जाए या वैसे उसको बिगाड़ दिया जाए, और मिसाल के तौर पर जैसे पप्पू, मिठू, चंदा वगैरह, ये सारे के सारे क्या है, हमारे उर्फ। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इसमें मार्फा की हम दूसरी जो किस्म है उसकी तरफ आते हैं। सेकंड है हमारी इसमें इशारा। अब इसमें इशारा क्या है? अब इसमें इशारा को हमने इस तरीके से करना है कि इसकी दो काइंड से, इसकी भी मजीद आगे से दो काइंड से, इसमें इशारा जिसमें, वो इसमें मार्फा है जिसमें किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, वो क्या कहलाएगा? हमारा इसमें इशारा। अब इसके आगे से दो काइंड्स कैसे हुई कि करीब के लिए और दूर के लिए। जैसे करीब के लिए हम क्या कहेंगे, ये एक कुर्सी है, यानी कि करीब की चीज़ के लिए हम इशारा करेंगे तो हम ये का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और दूर की चीज़ के लिए जब हम इशारा करेंगे तो हम वो कहेंगे। जैसे वो एक लड़की है, यानी कि दूर के लिए वो और करीब के लिए ये का हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी इसमें ज़मीर। अब इसमें ज़मीर क्या चीज़ है बेटा? इसमें ज़मीर से मुराद वो इसमें मार्फा है जिसमें हम किसी इस्म की जगह, जिस चीज़ को, जिस लफ्ज़ को इस्तेमाल करेंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा इसमें ज़मीर। जैसे मिसाल के तौर पर अली, फर्स्ट जुमले में हम कहेंगे अली एक लड़का है, तो दूसरे में हम कहेंगे अली एक लड़का है वो घर से मस्जिद तक गया। दूसरे जुमले में हमने अली का नाम नहीं इस्तेमाल किया, यानी कि उसके नाम की जगह हमने क्या इस्तेमाल कर लिया, वो, यानी कि जो किसी इसम की जगह पे इस्तेमाल हो, इसम के बजाय इस्तेमाल हो, उसको हम क्या कहेंगे, इसमें ज़मीर। इसकी लास्ट हम करेंगे इसमें मौसूल। इसमें मौसूल क्या है? इसमें मौसूल से मुराद कि जो अकेले कुछ माने ना दे, अकेले यानी कि बग़ैर जुमले में उसको इस्तेमाल किए बग़ैर इसके माने इस्तेमाल समझ में ना आए, वो क्या कहलाएंगे? हमारे इसमें मौसूल। अब मिसाल के तौर पर जैसे लफ्ज़ है जैसे, जिस, जो, कोई, यानी कि ये आपस, ये कोई मानी नहीं दे रहे, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे इसमें मौसूल। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपकी होम असाइनमेंट क्या है कि आप लोगों ने इसकी होम असाइनमेंट क्या करनी है स्टूडेंट्स? आपने क्या करना है कि अपनी नोटबुक पर, जैसे हमने स्टार्ट से पढ़ा इसमें मार्फा, इसमें मार्फा की इकसाम, उसमें इसमें अलम, उसके बाद हमने पढ़ा इसमें इशारा, इसमें ज़मीर और इसमें मौसूल। अब आपने 10-10 अल्फाज की फहरिस्त तैयार करनी है, जो आप लोगों ने खुद से सर्च करने हैं कि ये कौन कौन से अल्फाज हैं। इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।